जितने पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके हिसाब से तो 20% तो कुछ भी नहीं है। हादीप सही तो कह रहा है वो, आपने तो कहा था ना कि कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो 60-40 होता है। वैसे हबीब भाई मेरी बात मान तो जाएंगे ना? बिल्कुल मान जाएंगे, आप अपनी बात उनके सामने रख दीजिएगा। जिस कदर ज़रूरत है हबीब को पैसे की, मेरे ख्याल में तो मानना चाहिए। आ गए, लिफ्ट देखती हूँ। तुम सलाम कैसे हैं अभी भाई? वो सलाम क्या हाल है? जी बस। आलिया नहीं आई? वो अकेले आया था, आपसे बात करना चाह रहा था। कुछ बैठे ना। बोलो बताओ बताओ क्या बात? वो अभी भाई आपके बिजनेस का पता चला, बड़ा अफसोस हुआ। असल में बात ये करनी थी कि वो मैंने ना कुछ पैसे जमा किए थे कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैं सोच रहा था क्यों ना आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूं। 20% प्रॉफिट दे दीजिएगा। 20% प्रॉफिट क्या कह रहे हो भाई? मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं मांग लिया, अब वैसे भी जितने पैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके हिसाब से तो 20% तो कुछ भी नहीं है। हादीप सही तो कह रहा है वो, आपने तो कहा था ना कि कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो 60-40 होता है, वो तो फिर भी 20% मांग रहा है बेचारा। मैं ये पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मैं क्यों नहीं कर सकते? हमें जरूरत है पैसों की अभी, एक तो अच्छी ऑफर दे रहे हैं। वो बात नहीं है, बात अभी भाई अभी वैसे भी आप मुश्किल में हैं, तो मैं चाह रहा था कि अगर मेरी वजह से आपकी मुश्किल आसान हो सके, और इसमें वैसे भी दोनों का ही फायदा है। अब बाकी आप मेरे बड़े हैं, जो आप फैसला करें आगे आपकी मर्जी। वो बात नहीं है, बात तो क्या बात है, क्या चल रहा है दिमाग में, बताएं तो सही। जी कुछ पता तो चले कि आपके दिमाग में क्या चला। हो सकता है कि हम मिलके कोई हल निकाल लें। जमशेद तुम मेरे साले हो, मैं तुम्हारे पैसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर नहीं सकता, मुझे घर पे बताना पड़ेगा। समीना भाभी पहले ही सोच रही हैं कि मैं भाई साहब के बिजनेस पर कब्जा करना चाहता हूँ। अब उनको अगर पता लगेगा कि मैं अपने साले का पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो फिर इतना आसान नहीं है। नहीं हबीब, कोई कुछ नहीं सोचेगा, उल्टा आप तो एहसान कर रहे हैं उन पे। तो तुम बोल रही हो ना। मैं उन्हें जानता हूँ, वो क्या सोचती हैं मेरे बारे में। हबीब सारी सोचें बदल जाएंगी, आप तो अंधेरे में रोशनी का काम कर रहे हैं, तो उनका टूटता हुआ बिजनेस बचा रहे हैं, उल्टा आप एहसान कर रहे हैं उन पर। अब आपको कैसे समझाऊं कि अगर जमशेद, मैं, आलिया और आयशा सब आपके साथ होंगे तो समीना भाभी कमज़ोर पड़ जाएंगे। आपके पास एक मौका है अभी, अब देख लीजिए, हम तो समझा रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी। बस परेशान ना हो अभी भाई, हम भी आपके अपने ही हैं, हम बाहर से लेंगे तो मुझसे ले लें।